एक जंगल में पीलू चिड़िया अपने पिता टिल्लू और अपनी माँ बबली के साथ रहा करती थी। टिल्लू खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मुखिया रहा करता था जो पक्षियों की जमीन को जबरदस्ती हड़प लिया करता था, और जो भी पक्षी उसका विरोध करते वो उसे मरवा देता था। एक दिन टिल्लू अपने खेत में काम कर रहा था, तभी मुखिया टिल्लू के खेत पर पहुंचता है। मुखिया के साथ उसके कुछ गुंडे भी रहते हैं। अरे टिल्लू, ये खेत तू मेरे नाम कर दे, उसके बदले में मैं तेरा पूरा कर्ज माफ कर दूंगा। टिल्लू कहता है, कैसा कर्ज मुखिया जी, मैंने तो आज तक आपसे कोई कर्ज लिया ही नहीं। इस पर मुखिया उसे धमकाते हुए कहता है, अच्छा तूने मुझसे कर्ज नहीं लिया, ये देख कागजात, इस कागजात में तूने मुझसे पूरे 2 लाख रुपए उधार लिए हैं और इसमें तेरा अंगूठे का निशान भी है, और अब तो ब्याज मिलाकर ये पूरे 4 लाख रुपए हो गए हैं। टिल्लू ये सब देखकर बहुत डर जाता है। वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मालिक आप ये सब मत कीजिए, अगर आप मेरी जमीन ले लेंगे तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। देख टिल्लू, मैं तुझे अभी बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, अगर तू मेरी बात नहीं माना तो फिर तू जानता है अंजाम क्या होगा। इन गुंडों को देख रहा है ना, ये तुझे ऊपर पहुँचा देंगे। इस तरह डराने धमकाने से टिल्लू मुखिया का सामना नहीं कर पाता है, और वो डर के मारे उसको अपना खेत दे देता है। टिल्लू उदास मन से घर आता है। बबली उसे कहती है, क्या बात है जी, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे बबली, सब बर्बाद हो गया, आज मुखिया खेत पर आए थे, उन्होंने फर्जी कागजात बनाए कि मैंने उनसे कर्ज लिया था, जबकि मैंने उनसे कोई भी कर्ज नहीं लिया था, अब डरा धमका कर उन्होंने मेरी जमीन हड़प ली है। पीलू अपने पिता से कहती है, पिताजी आप मेरे साथ मुखिया के घर चलिए, मैं उससे अपना खेत वापस लेके ही आऊंगी। फिर टिल्लू पीलू के साथ मुखिया के घर चला जाता है। पीलू गुस्से में मुखिया से कहती है, बदमाश मुखिया जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी से खेत हड़पने की, अब उसे तुरंत वापिस कीजिए। मुखिया कहता है, अरे टिल्लू तेरी बेटी तो बहुत सुंदर दिखती है, गुस्से में तो ये और भी अच्छी लगती है, एक काम कर तू मेरी इससे शादी करा दे, फिर तुझे तेरा खेत वापस मिल जाएगा। टिल्लू अपनी बेटी से कहता है, देखा बेटी ये कितना बदतमीज है, ये बदमाश है, इसके मुंह मत लग, चल मैं किसी और के खेत में काम करके अपना घर संभाल लूंगा। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर टिल्लू हरिया तोता के खेत में काम करने लगता है। एक दिन पीलू अपने पिता के लिए भोजन ले जा रही थी, तभी उसे किसी के करहाने की आवाज आती है। पीलू उस आवाज की तरफ जाती है तो झाड़ियों के बीच में उसे एक पक्षी दिखाई पड़ता है। वो बहुत घायल था और वो करहाते हुए पानी मांग रहा था। पीलू कहती है, ये लीजिए पानी पीजिए। पीलू चिड़िया तुरंत ही उस घायल पक्षी को पानी पिलाती है। फिर वो पक्षी पीलू से कहता है, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, एक जंगली जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया था, मैं बुरी कदर घायल हो गया था, यहीं पास में ही मेरा घर है, तू मुझे मेरे घर तक पहुंचा दे। फिर पीलू उस घायल पक्षी को उसके घर तक पहुंचा देती है। घर पहुंचने के बाद वो पक्षी पीलू को एक बड़ी सी पोटली लाकर देता है। बेटा तूने मेरी जान बचाई है, ये ले इसमें तेरे लिए इनाम है। बेटी ये कोई साधारण इनाम नहीं है, ये तरबूज के जादुई बीज हैं, इन्हें तू अपने आंगन में बिखेर देना, फिर देखना चमत्कार। फिर पीलू घर आकर उन चमत्कारी बीजों को अपने आंगन में बो देती है। टिल्लू उसे देखकर कहता है, अरे पीलू ये तू क्या कर रही है। पीलू कहती है, पिताजी ये तरबूज के जादुई बीज हैं, मैंने एक पक्षी की मदद की, मैंने उसे और उसे घर छोड़ा तो उसने मुझे ये तरबूज के जादुई बीज दिए, जिसे मैं अब अपने आंगन में बो रही हूँ। कुछ ही दिनों में पीलू के आंगन में तरबूज उगाते हैं, वे बहुत ही बड़े रहते हैं। बड़े बड़े तरबूजों को देखकर पूरा परिवार बहुत खुश होता है और उन्हें टिल्लू बाजार में बेचने लगता है। तरबूज बेचने से टिल्लू की बहुत अच्छी कमाई होती है। इसके बाद से टिल्लू और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं। भोजपुर गांव के जंगल में पीलू चिड़िया एक साधु के पास जाती है। साधु महाराज जी, मुझे कोई तरीका बताइए जिससे मैं लोगों के मन की बात जान सकूं। लोगों के मन की बात जानना बहुत कठिन होता है बेटी, लेकिन तुम्हें मैं एक सैनिटाइजर देता हूँ, तुम इससे जिस पर भी छिड़काओगी वो सच बोल पड़ेगा।
अभी टीचर्स डे आने वाला है, मैं इससे बच्चों के मन की बात जान सकूंगी और उन्हें एक बेहतर स्टूडेंट बना दूंगी। ठीक है बेटी। अगले दिन फिर पीलू स्कूल जाती है और क्लासरूम में आती है। बंटी, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया है? ओ ना मैडम जी, टीचर्स डे की तैयारी कर रहा था तो टाइम कैसे निकला पता ही नहीं चला। पीलू उस पर साधु का दिया हुआ सैनिटाइजर छिड़का देती है और वो सच बोलने लगता है। मैडम जी, मैं सो रहा था, मोबाइल में गेम खेल रहा था, होमवर्क करने का मन नहीं था और टीचर्स डे कब है मुझे पता ही नहीं। अब बोले ना असली बात। बंटी को पनिशमेंट मिलती है। कालू ये सब देखकर सोचता है, मैं ये सैनिटाइजर चुरा लूंगा। कालू पीलू के बैग से चुपचाप सैनिटाइजर चुरा लेता है, फिर वो मजे लेने लगता है। वाह भाई साहब, आपके बेटे को तो बहुत अच्छी नौकरी लगी है। कालू उस पर सैनिटाइजर छिड़का देता है। मेरा बेटा आपके बेटे से ज्यादा टैलेंटेड है, आपका बेटा रिश्वत देकर नौकरी में लगा है। अरे क्या बकवास कर रहे हो? और कालू हंसता है। शाम में कालू पीलू और उसके पति जाबाज के घर के पास जाते हैं। क्यों जाबाज जी, आज भी आप घर लेट आए हो, कहाँ थे? वह एक दोस्त से मिलने अस्पताल गया था। कालू उस पर सैनिटाइजर छिड़का देता है। अरे मैं कोई अस्पताल नहीं गया था, तुम टीचर हो ना तो तुम्हारी डांट से डर लगता है तो थोड़ा झूठ बोल दिया, मैं तो बार में गया था। हाँ, अभी मजा चकाती हूँ तुमको। जाबाज की झाड़ू से पिटाई हो जाती है, ये देखकर कालू बहुत ही खुश होता है। तभी पीलू उससे सैनिटाइजर छीन लेती है और कालू को डांट लगती है। कालू, ये तुम स्टूडेंट्स के भले के लिए था, तुम्हारी मस्ती के लिए नहीं। अब तुम टीचर्स डे में 5 ऐसे लिख कर लाओगे, अगर कोई बहाना बनाए तो याद रखना मेरे पास ये सच उगलने वाला सैनिटाइजर है। जी जी मैडम। ये सुनकर कालू वहाँ से भाग गया। अरे पीलू, ये साधु का दिया सैनिटाइजर इतना असरदार है, ये तुम इससे कड़क की मदद क्यों नहीं करती? सुना है वो एक बहुत बड़े चोर को पकड़कर लाया है, लेकिन वो पैसा कहाँ छुपाया है ये नहीं बता रहा है। मेरा भाई इंस्पेक्टर कड़क की भी मैं इसी सैनिटाइजर से मदद करती हूँ। फिर पीलू कड़क के पास पुलिस स्टेशन जाती है। कड़क भाई, ये सैनिटाइजर लो और इस चोर पर छिड़का दो। पीलू के कहने पर कड़क वैसा ही करता है और चोर पूरा सच उगल देता है। फिर सभी बच्चे पीलू को टीचर्स डे पर बहुत सम्मान देते हैं। कालू उस पर 5 ऐसे पूरी ईमानदारी से लिख कर लाता है और सरकार भी पीलू को टीचर्स डे के दिन चोर से पैसा निकलवाने के लिए इनाम देती है। इस तरह से पीलू एक अच्छी टीचर होकर सभी स्टूडेंट्स का जीवन सुधारने में कामयाब होती है। आचार्य जयसूर्या अपने पर्यटन के दौरान गांव-गांव जाके वहां की लोगों को अपने प्रवचन से अच्छी बातें सिखाते थे। आचार्य के मधुर वाणी और सत्य विचार से वहां के लोग बहुत प्रभावित होते थे। आचार्य के विचारों को अपने जीवन में लागू करके बहुत सारे लोग सद्गुणी बन गए थे। एक दिन पंढरपुर में आचार्य का प्रवचन चालू था। सज्जनों, अगर हम किसी का बुरा चाहते हैं तो हमारा भी बुरा होगा, अगर हमारे विचार अच्छे रहेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। कितना सीधा साधा है यह विचार। आचार्य की प्रवचन चालू था तो तभी वहाँ पे एक आदमी आके पहुँच जाता है और आचार्य के पैर पे साष्टांग नमस्कार करते हुए यह कहता है, आचार्य जी मुझे बचा लीजिए, मैं तो आपकी शरण में आ गया हूँ। अरे मैं कौन होता हूँ तुम्हें बचाने वाला, हम सब की रक्षा तो परमेश्वर करता है। आचार्य जी आप ऐसा मत कहिए, हमने देखा है आपकी वाणी से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी संवार चुके हैं, सब आपकी नाम की जपमाला जपते हैं। अच्छा बंधु, आपका समस्या क्या है बताओ। मैं एक डकैत हूँ। तभी सभा में बैठे सारे लोग एक दूसरे के कानों में खुसर पुसर करने शुरू कर देते हैं। अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये डाकू है। अरे मैं सोच रहा था मेरी अंगूठी कहाँ गई, इसी ने चुराया होगा। अरे ये डकैत अगर हमारे गाँव में आ गया तो किसी की खैर नहीं।
लोगों की खुसर पुसर सुनते ही वह डकायत बोलता है, अरे मैंने जिंदगी बहुत देख ली है आचार्य जी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने लोगों को लूट कर जमाया हुआ धन मुझे रात को नींद नहीं करने दे रहा है। अरे तुम्हारे कर्मों का तुम्हें पश्चाताप है तो तुम्हारी समस्या क्या है? आचार्य जी, मैं ये सब छोड़ के सीधी साधी जिंदगी जीना चाहता हूँ, इसीलिए आपके शरण में आया हूँ, मुझे मार्गदर्शन कीजिए। आचार्य डकायत की दुविधा समझते हैं और उसे कहते हैं, अरे वो तो बहुत ही आसान है, आज से अपना कुकर्म छोड़ दो और ये मन में ठान लो और उसी के पथ पे चल पड़ो। धन्योस्मि आचार्य जी, जो आपने कहा मैं उसी पथ पे चलूंगा। आचार्य जी अपने प्रवचन उस गाँव में खत्म करके दूसरे गाँव तीसरे गाँव ऐसे ही पर्यटन करते रहे, तो एक दिन वही डकायत फिर से आचार्य जी से मिलता है। आचार्य, आपने जो कहा था उस रास्ते पे चलने की मैंने बहुत कोशिश की, मगर क्या करे, मेरे हाथों को चोरी करने की आदत हो गई है, छूट ही नहीं रही है। आचार्य, कोई दूसरा उपाय बता दीजिए ताकि मैं भी अच्छा इंसान बनके जिंदगी बिता सकूं। आचार्य हंसते हुए कहते हैं, अच्छा ये बात है, तुम आदत से मजबूर हो तो ठीक है, तुम हर दिन अपने ही काम करते रहना, मगर तुम जो भी काम करोगे उसे मेरे प्रवचन में आके बताते रहना, तब तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। आचार्य की बात को सुन के डकायत को अच्छा लगा तो कहता है, अरे ये तो आसान है, मैं चोरी भी करूँगा मगर पाप भी मुझे नहीं लगेगा, आज से ही मैं जो भी चोरी करूँगा आपके प्रवचन में आके सबको बता दूंगा। ऐसे कह के डकायत वहाँ से निकल जाता है और कितने ही दिन बीत गए मगर डकायत वापस नहीं आता है आचार्य के पास। तभी अचानक एक दिन आचार्य के शिष्य को उसकी याद आती है और शिष्य कहते हैं, गुरु जी कितने दिन हो गए लेकिन वो डकायत तो आज तक आपके पास वापस आया ही नहीं, तो इसका मतलब आपका बताया हुआ बातों से उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ क्या? ऐसा नहीं है मेरा शिष्य, उस पर प्रभाव हुआ है तभी उसी ने वापस नहीं आया। मेरा कहना है उसने चोरी करना छोड़ दिया होगा इसीलिए उसने यहाँ नहीं आया है, वरना वो कभी का आ जाता। मगर गुरु जी ये कैसे हो सकता है? उस डकायत को अपने चोरी करना छोड़ने की लालच थी। चोरी करना बहुत ही आसान है शिष्य, लेकिन उसे सबके सामने ऐलान करना, अपने आप को उससे प्रायश्चित करना बहुत ही कठिन होता है, और यह बात उसे समझ में आ गया है, और अच्छे काम करने की बातें मेरे पास आके बताने की वजह भी नहीं है, और इसीलिए मुझे तो विश्वास है वो डाकू सुधर गया होगा। ऐसे कह के आचार्य अपने शिष्य को विवरण देते हैं। और एक दिन आचार्य की प्रवचन चल रही थी तो उसी गांव में रहने वाला वह डकायत आचार्य को मिलने आया और आचार्य से कह रहा है, आचार्य आपकी वाणी ने मेरे जीवन की पथ ही बदल दी, मैं अब जिंदगी से बहुत खुश हूँ, उस दिन से आज तक मैंने एक भी चोरी नहीं की, भले ही मैं कुछ दिन भूखा था मगर आज मैं कष्ट से अपनी जिंदगी को सवार रहा हूँ। कहते हैं ना श्रम का फल मीठा होता है, तो मुझे भी यह श्रम बहुत आनंद दे रहा है, आपके आशीर्वाद मुझ पर सदा ऐसे ही बने रहे आचार्य। ऐसे कह के साष्टांग नमस्कार करता है। यह बातें सुनकर आचार्य के मन भी बहुत प्रसन्न हुआ और वह डकायत को कहते हैं, अब तुम्हें कोई प्रायश्चित की जरूरत नहीं है, अब तो तुम सदाचारी बन गए हो, तुम सदा सुखी रहो। ऐसे कहते हुए आचार्य अपने प्रवचन के लिए अगले गांव निकल पड़ते हैं। नाचो खुशी से, बारिश आ गई, अब स्कूल जाने में बहुत मजा आएगा। गर्मियों का मौसम खत्म हो चुका था। जंगल में बबलू हाथी और पिंकी मॉर्नी दोनों बरसात का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्हें बरसात में स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता था, मगर गर्मी इतनी थी कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। जंगल के सभी जानवर इस तेज गर्मी से बहुत परेशान थे, सबका हाल गर्मी से बेहाल हो चुका था। बबलू हाथी घूमते हुए जंगल से जा रहा था कि उसे पिंकी मॉर्नी मिलती है। अरे बबलू, यूं अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? तुम मुझे तो बताओ कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी जल्दी।
में। अरे पिंकी क्या बताऊँ, इतनी तेज धूप निकल रही है, इस गर्मी में तो मेरा हाल खराब हो चुका है। क्या बताऊँ, सबके सब जानवर परेशान हो चुके हैं इस सूरज की वजह से। बताओ, गर्मियों का मौसम खत्म हुए महीने हो गए मगर बरसात का नामो निशान ही नहीं है। इसलिए मैं पास की के स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जा रहा हूँ। अरे बबलू, मगर आज ही मौसम विभाग ने बताया है कि आज बारिश होने की संभावना है। क्या पिंकी, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? देख रही हो मौसम को, कितना तेज सूरज निकला हुआ है, ऐसे में बारिश कहाँ से होगी? भला तुम बिना ऐसी बातें, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। देखते ही देखते अचानक से आसमान में काले बादल छट जाते हैं और सूरज बादलों के पीछे छुप जाता है। बारिश होने लगती है। यह देखकर बबलू हाथी और पिंकी मोर दोनों नाचने लगते हैं। देखा ना बबलू, मैंने तुमसे कहा था ना, आज बारिश जरूर होगी। ये ओए, नाचो खुशी से, बारिश आ गई, अब स्कूल जाने में बहुत मजा आएगा। चलो बबलू, सभी दोस्तों के साथ चलकर मस्ती करते हैं बारिश में। हाँ ठीक है पिंकी, चलो। दोनों भागते हुए अपने दोस्तों के पास जाते हैं और उनके साथ पूरे जंगल में नाचते हैं और धूम मचाते हैं। सभी जानवर बहुत खुश थे कि बारिश हो रही है। सभी जानवर भी उन्हीं के साथ झूमने लगे और नाचने गाने लगे। अगले दिन से सभी बच्चे स्कूल जाते समय अपने अपने साथ छाता लेकर जाने लगे। पिंकी देखो मेरा छाता कितना अच्छा है ना, इसमें कितने सारे रंग हैं और इस बारिश में कितना अच्छा लग रहा है। पता है पिंकी, ये छाता मेरे मामा लाए थे लंदन से मेरे लिए। हाँ बबलू, ये सच में तो बहुत अच्छा छाता है, तुम्हारे मामा ने सच में तुम्हें बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। सभी बच्चे एक दूसरे के छाते की तारीफ करने लगते हैं और नाचते गाते हुए स्कूल जाते और स्कूल से आते दिन बहुत ही मस्ती से बीत रहे थे। मोर, हाथी, भालू, लोमड़ी सभी बच्चे नाचते हुए स्कूल जाते। बबलू जब अपने घर जाता है तो उसकी माँ उससे कहती है, बेटा बबलू, तुम्हें बारिश में ऐसे नहीं घूमना चाहिए, ऐसे मस्ती नहीं करनी चाहिए, वरना तुम बीमार हो जाओगे और फिर डॉक्टर तुम्हें इंजेक्शन लगाएंगे। पर माँ, मुझे बारिश में मस्ती करना अच्छा लगता है, मेरे सभी दोस्त भी तो कितनी मस्ती करते हैं। अच्छा ठीक है बेटा, मगर ज्यादा देर पानी में मत खेला करो और गंदे पानी में तो भूलकर भी नहीं खेलना। मगर वह छाते को बारिश में बंद करके बारिश में भीगते हुए घर आता है। आज उसने देखा कि एक बूढ़ी लोमड़ी बारिश में भीग रही थी। दोस्तों, वह अम्मा बारिश में भीग रही हैं क्योंकि उनके पास छाता नहीं है और हम सभी छाता होते हुए भी जानबूझकर भीग रहे हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। चलो उनकी मदद करते हैं। बबलू हाथी बूढ़ी लोमड़ी के पास जाता है और उसे अपना छाता दे देता है। अम्मा ये छाता आप रख लो, आप भीग रहे हो, आप अगर बारिश में ऐसे ही भीगते रहे तो बीमार पड़ जाओगे। पर बच्चे, तुम अगर ये छाता मुझे दे दोगे तो तुम क्या लेकर जाओगे, तुम भी तो बीमार पड़ सकते हो ना। नहीं अम्मा, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, मुझसे ज्यादा इसकी जरूरत आपको है। तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। बबलू उसे अपना प्यारा छाता दे देता है और फिर से नाचते गाते हुए अपने घर आ जाता है और अपनी मम्मी को पूरी बात बताता है। उसकी मम्मी को भी यह सुनकर बहुत खुशी होती है। हीरापुर के जंगल में पीलू अपने पति बबलू के साथ रहती थी। वो दोनों पति पत्नी पंक्चर बनाते थे। ऐसे ही एक दिन टिल्लू उनकी दुकान में पंक्चर बनवाने के लिए आया। अरे मैडम, आप पंक्चर बना रही हैं? हाँ भाई साहब, मैं औरत हूँ तो क्या पंक्चर नहीं बना सकती? आप फिक्र ना करें, हम लोग बहुत अच्छे से पंक्चर रिपेयर करते हैं, आपको शिकायत नहीं होगी। ये तो बहुत खुशी की बात है। टिल्लू के जाने के बाद बबलू कहता है, आज का दूसरा ग्राहक था ये, इतनी मेहनत के बाद भी कमाई नहीं होती है। पीलू एक दिन वो अपने पति से कहती है, सुनिए जी, हमारा ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि हम दिन में सिर्फ 20 पंक्चर ही ठीक कर पाते हैं, हम कम से कम 30 पंक्चर बनाने होंगे। अच्छा तो मैं कोई जुगाड़ करता हूँ। उनकी दुकान से कुछ दूरी पर कालू कव्वे की भी पंक्चर की दुकान थी। वो पीलू की बात सुनकर हिसाब लगाता है। पीलू चिड़िया, 30 नहीं, मैं तो 50 पंक्चर ठीक करूँगा अपनी दुकान में और तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगा, तो और 50 पंक्चर मेरे पास ठीक करवाने आएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे एक चाल चलनी होगी। फिर कालू अपनी पत्नी सुंदरी को बहुत सारे कील देता है और अपनी दुकान से पहले खड़ा कर देता है। सुंदरी आने वाली गाड़ियों के नीचे कील फेंक देती थी जिससे गाड़ियां पंक्चर हो जाती थी
और फिर सुंदरी और कालू उनको अपनी दुकान में ले आते थे। इस तरह से वे लोग बहुत पैसे कमाने लगे। अरे आपने देखा कि कालू कैसे लोगों की गाड़ियाँ पंक्चर करके उन्हें ठीक करता है और पैसे कमा रहा है। हाँ, ये बहुत गलत कर रहा है, एक दिन बहुत पछताएगा। लेकिन पीलू और बबलू के पास ग्राहक बहुत कम हो जाते हैं। इस बीच पीलू भाभी, ये देखो मैं आप लोगों के लिए क्या लाया हूँ। ये है ऑटोमेटिक पंक्चर बनाने की मशीन। देखने में साधारण हवा भरने वाले पंप जैसी लगती है, लेकिन इससे आप लोग दिन में 100 पंक्चर बना सकोगे। लेकिन हरिया भाई, हमारे पास तो आजकल 10 ग्राहक भी नहीं आते हैं। फिर पीलू हरिया को कालू और सुंदरी के बारे में बताती है। तो हरिया तोता कहता है, तुम अपनी ईमानदारी मत छोड़ना, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। मैं आज से स्कूल और ऑफिस में लेटर दे के आऊंगी कि हमारे यहाँ ऑटोमेटिक पंक्चर बनाने की मशीन है और जो ग्राहक आएंगे उसे हम 50% डिस्काउंट देंगे। ऐसे पीलू सोचती है। तो बबलू कहता है, आइडिया तो अच्छा है पीलू, कम से कम खाने के लायक पैसे तो आएंगे, नहीं तो कालू ने तो हमारी दुकान बंद ही करवा दी है। क्यों बबलू, ये मेरी नई कार कैसी लग रही है? सिर्फ दुकान बंद करके तुम मेरे नए घर आना। बबलू पीलू, देखना हमारी दीवार जितनी, टीवी है, डबल डेकर फ्रिज है और सुंदरी के पास तो गहने भी है। तुम्हारी तरह गरीब नहीं है हम लोग। तो पीलू कहती है, जाओ कालू जाओ, हम ईमानदार थे हैं और रहेंगे। कालू उनकी हंसी उड़ाकर चले जाता है। इसी तरह कुछ दिनों के बाद तेज रफ्तार से बड़ी सी गाड़ी आ रही होती है। सुंदरी ये देखकर सोचती है, अरे इतनी बड़ी कार, इनसे तो 1000 रुपए लूंगी पंक्चर ठीक करने का। और वो कार के नीचे कील फेंक देती है। कार डगमगाते हुए रुक जाती है। जैसे ही कालू और सुंदरी उसके पास जाते हैं, उसके अंदर से डाकू निकलते हैं। मैंने देखा कि तूने हमारी गाड़ी की पंक्चर की थी। डाकुओं से चोरी, अभी हम तुम्हारा घर लूटेंगे। फिर वो डाकू कालू के घर से रुपये, गहने और फिर कालू की कार चुरा कर भाग जाते हैं। हाय, हम लूट गए, बर्बाद हो गए, सारी चोरी की कमाई चोरी हो गई। अब आगे से कसम खाते हैं ऐसा नहीं करेंगे। कालू कसम खाता है। तो पीलू कहती है, हमारी दुकान बंद करने चले थे, खुद ही दुकान लूट बैठे। इसके बाद पीलू और बबलू अपनी मशीन से पूरे जंगल के लोगों की गाड़ी का पंक्चर ठीक करते थे और जल्दी ही वो लोग बहुत अमीर हो गए। फिर दोनों पति पत्नी खुशी खुशी ईमानदारी से रहने लगे।